नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म चार प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के धर्म में अलग अलग अपने ग्रंथ होते हैं। जैसे हिंदू में हमारी रामायण महाभारत प्राचीन के हैं और मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म में हमारी कुरान है और सिख धर्म में है गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म में होती है बाइबल। चारों प्रकार के ग्रंथों में अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सभी उसी विचार से अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, उसी से समझते हैं कि हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज थी और इन चीजों को समझने के लिए उन्हें अपने ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग अपनी संस्कृति को जानने के लिए सबसे पहले ग्रंथ को ही उठाते हैं कि हमारे ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है और हमारे ग्रंथ के हिसाब से ही हम उसे सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसे अपने जीवन में उतारू बनाते हैं। ऐसा ही मैं ईसाई धर्म के कुछ ग्रंथ के बारे में बताना चाहूंगी जो इस वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा। वैसे तो ईसाई धर्म में अपना एक ग्रंथ बाइबल बना रखा है, उस ग्रंथ में उनकी संस्कृति के हिसाब से अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन सभी धर्म में बातें वही होती हैं, सिर्फ उन्हें अलग अलग रूप दिया गया है और उन्हीं रूपों को लेकर लोगों में अपनी चर्चा चलती रहती है। तो ऐसे ही ईसाई धर्म में हमें बताया गया है कि लोगों को अपने ग्रंथ से ही पता चलता है कि उनके ग्रंथ में क्या पहनने के लिए और क्या सोचने के लिए और क्या करने के लिए सारे नियम और कानून अलग अलग होते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में माना जाता है कि रोजे रखने के टाइम पर उन्हें एक महीने तक रोजे रखे जाते हैं और रोजे रखने के साथ साथ उन्हें कुछ नियम और कानून अपनाने पड़ते हैं और नियम कानून के साथ साथ उन्हें वह उपवास रखने पड़ते हैं और रखने के साथ ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल भूखे पेट या प्यासे रह सकते हैं। ऐसे में वह माना जाता है कि आप उपवास रखते हैं तो सच्चे मन से यदि आप भगवान की उपासना करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और आपके घर में सौभाग्य आता है। यही ईसाई धर्म में है बाइबल। बाइबल में अलग अलग चीजें बताई गई हैं लेकिन रूप वही है। माना जाता है कि यदि आपको भगवान को पाना है तो उनके लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो सभी ग्रंथों में यही लिखा है। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। भगवान की उपासना सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल जाती, आपको उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जब जाके आप भगवान को अपने ही सम्मुख पाएंगे। तो ऐसा ही ईसाई धर्म में भी बताया गया है। सिर्फ बातें अलग अलग होती हैं, रूप एक होता है और उसी के हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी कल्पनाएं विचारते हैं और सभी धर्म और ग्रंथ में एक ही बात को अलग अलग नियम और अलग अलग परिभाषा के रूप में विचलित किया गया है। ईसाई धर्म में भी उसी बात को नया रूप देकर समझाया गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान को पाना तो उसके लिए आपको सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख आएगा और उसके साथ साथ सौभाग्य भी लेकर आएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।